हेलो एवरी वन वेलकम टू पीडिया पावर्ड बाई अभिमन्यू आई एस एंड इन द सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी यू पी एस सी का फेवरेट क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आ रहे हैं तो अभी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन है आपके पास में नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम इज द फेवरेट सब टॉपिक यूपीएससी यूपीएससी सी सेट के अंदर आप ये मान के चलो कि हाँ टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन सिस्टम के मिल सकते हैं सो नंबर सिस्टम सभी ने अच्छे से प्रिपेयर करने है क्वेश्चन वाज आस्क इन सी सी सेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास फिफ्टीन फोर्टीन थर्टीन सभी का मल्टीप्लीकेशन गिवेन है ओके? एंड दिस इज इक्वल टू समझेंगे यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन में भी आ जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम एम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ओके okay? तो अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो कैसे क्या तो हम क्या करेंगे कि जो एक एक नंबर है यहाँ पे सिंगल सिंगल नंबर है उसको थ्री के फॉर्म में उसके फैक्टर्स बना लेंगे हम ओके जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिफ्टीन की तो क्या बन जाएगा मेरे पास हाँ जी ध्यान से देखेंगे दो मेथड से बताऊंगी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगी मैं आपको ये देखो क्या है थ्री इंटू फाइव अब फोर्टीन के अंदर तो थ्री आता नहीं है वैसे तो जरूरत ही नहीं है उसको तोड़ने की इसको रखो ठीक है थर्टीन को एज इट इज रखो ट्वेल्व थ्री इंटू फोर ओके okay? उसके बाद क्या आएगा इलेवन एज इट इज टेन टेन के अंदर भी थ्री नहीं आता ओके नाइन नाइन को कैसे लिखेंगे हम थ्री इंटू थ्री देन एट एट में थ्री आता नहीं है एट के अंदर फैक्टर नहीं बनता ना थ्री ओके देन सेवन सिक्स को क्या लिखेंगे थ्री इंटू टू फाइव फोर थ्री टू एंड वन अब कहेंगे ये तो मैडम काफी टिपिकल सा हो गया यस yes, थोड़ा सा टिपिकल हो गया बट मैं इजी बताऊंगी अभी आपको देखो क्या है अब यहाँ पे क्या कह रहा है थ्री रेज टू पावर एम कितनी बार आ रहा है थ्री रेज टू पावर एम इन टू एन दैट मीन दिस रिमेनिंग आर इन द फॉर्म ऑफ एन ओके अब हमने यहाँ पे देखना है थ्री वेन यू आर चेकिंग थ्री दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स देर आर सिक्स थ्री

you will get 5 okay then this 5 comes to here then 5 divided by 3 the quotient is equal to 1 now check this 1 is more than 3 or less than 3 if this is less than 3 to age process nahi karna hai aapne, okay if this is more than 3 then you will go for the same step so the sum total is equal to what this is equal to 6 your answer is equal to 6 ओके सेम वे इफ आई हैव ए क्वेश्चन दिस वन 50 अब 50 में अगर मुझे चेक करना है वाट इज द वैल्यू फोर थ्री रेज टू पावर एन थ्री रेज टू पावर एम इन टू एन एंड आई वां टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एम तो अब क्या करूँ मैं क्या करेंगे सेम देखो अभी मैंने आपको स्टेप बताया स्टार्टिंग कहां से करोगे यहां पे 15 था सो आई स्टार्ट बाई 15 हेयर दिस इज 50 100 150 कोई भी वैल्यू है देन यू विल स्टार्ट बाई दैट वैल्यू ओके डिवाइडेड बाई वट जिसकी पावर आपको फाइंड आउट करनी है हेयर द नंबर इज थ्री सो यू विवाइेड बाई थ्री ओके क्लियर सो यहां पर क्या आएगा आपके पास में क्वेश्च जस्ट चेक द कोशंट ओके दिस इज सिक्सटीन नाउ चेक दिस सिक्सटीन इज मोर देन थ्री और लेस देन थ्री नो दिस इज मोर देन थ्री इफ दिस इज मोर देन थ्री देन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप सिक्सटीन बाई थ्री कितना आ गया आपके पास फाइव क्वेश्चन इज इक्वल टू फाइव देन अगेन चेक दिस इज मोर देन थ्री और लेस देन थ्री दिस इज मोर देन थ्री दैट मीन्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप फाइव बाई थ्री क्वेश्चन क्वेश्चन टू वन नाउ अगेन चेक इज दिस मोर देन थ्री और लेस देन थ्री दिस इज लेस देन दैट मीन्स स्टॉप हेयर ओके एंड जस्ट एड दिज वैल्यूज एंड दिस इज इक्वल टू वट दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी टू तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास आंसर विल बी सिंपल क्लियर तो इस तरह का आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है अगर कोई माइनर सा डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है यस दिस इज हेल्पफुल फॉर मी दैट केस यू वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड्स ओके एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द नंबर सिस्टम पार्ट तो नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर सिस्टम में से आते हैं एंड इफ यू वांट टू टेक द नंबर सिस्टम पार्ट ओनली इन द डिस्क्रिप्शन लिंक इज गिवन फॉर द नंबर सिस्टम ओनली यू कैन टेक सिंपल नंबर सिस्टम ओके लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड द एस्परेंट हु वॉन्ट टू ज्वाइन कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कोर्स लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन दे कैन by following that link ok and the 2 days trial is also available you can take the trial now and this is the right time for the preparation of c set ok so thank you meetey hain next class ke next question ke thank you class is over